आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में शाम 6:30 बजे होगी मीटिंग, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, बीजेपी सांसदों को आज सदन में रहना होगा उपस्थित, निचले सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर करेंगी चर्चा, सवालों का भी देंगी जवाब। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार अमेठी जाएंगे राहुल गांधी, गौरीगंज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात, मीटिंग में होगी हार की समीक्षा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात देकर अमेठी में दर्ज की है जीत। संसद में आज भी हंगामे के आसार, कर्नाटक में जारी सियासी संकट पर कांग्रेस कर सकती है हंगामा, विधानसभा स्पीकर ने बागी विधायकों का इस्तीफा किया अस्वीकार, सरकार पर से अब भी नहीं टला खतरा। राजस्थान में आज सीएम अशोक गहलोत पेश करेंगे बजट, प्रदेश के सामने रखेंगे आर्थिक विकास का रोड मैप, मंदी के बीच उद्योग व्यापार जगत को गहलोत से काफी उम्मीदें। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज, विपक्ष को एकजुट करने में जुटा झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज बुलाई कई दलों की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार खोलेगी जनता के लिए पिटारा, आज वित्त मंत्री तरुण भनोत पेश करेंगे 2019-20 का बजट, कानून व्यवस्था, कर्ज माफी, बिजली कटौती, पेयजल समस्या पर रहेगा सरकार का फोकस। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए किसानों को लुभाने में जुटे सीएम योगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अन्नदाताओं को लाभ पहुंचाने का दिया निर्देश, आज अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। एनआरआई के नाम पर अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, आयकर विभाग ने शुरू की कार्रवाई, नॉन रेजिडेंट इंडियन बनकर टैक्स बचाने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा, कई एनआरआई को नोटिस भेज चुका है विभाग। और ईरान के मामले में आईएईए की आपात बैठक, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियारों पर निगरानी रखने वाली संस्था ने अमेरिका के अनुरोध पर आज बुलाई मीटिंग, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी बोले, हम अपने हिसाब से करेंगे काम।